प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। वचन में चलते हैं और आज वचन में कुछ गहरी बातें बताएंगे जो अब शुरू हो चुका है, और इन बातों को सुनना ध्यान से, क्योंकि इन वचनों को परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है कि रेवलेट्स द वर्ड कि क्या हो रहा है। जब यीशु मसीह धरती पर था तो प्रभु यीशु ने कुछ भविष्यवाणी के बारे में बताया था। चेले पूछ रहे थे यीशु से, चेलों ने कहा, जब यीशु चेलों के साथ बैठा बात कर रहा था तो यीशु कह रहा कि मैं मरूंगा और मृत्यु को लूंगा, मेरी बहुत बुरी मौत होगी और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और उसके बाद मैं स्वर्ग चला जाऊंगा और फिर मैं आऊंगा। तो चेले पूछ रहे कब आएगा, तू जब आएगा क्या संसार का अंत भी हो जाएगा? अंत होगा तो कब आएगा? तो यीशु कहता वो घड़ी वो समय मुझे नहीं पता, वो पिता जानता है, लेकिन हाँ कुछ चिन्ह दिखेंगे तुम्हें। सर्टेन साइंस विल कम ऑन दिस अर्थ एज वेल एज यू विल सी इन द स्काई, वो चिन्ह दिखे जाएंगे और वो चिन्ह से तुम समझ जाना कि मेरे आने का समय निकट है। कौन से चिन्ह है? लूका में यीशु ने खुद बताया था, लूका किताब मत्ती में लिखा हुआ है, लूका किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 8 को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा चौकस रहो, बी विजिलेंट, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, भरमाए ना जाओ। समय समय भरमाने का आ चुका है, चिन्ह आ चुके हो, अपने बारे में चौकन ना रहे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, मैं मसीह हूं, आई बिलीव इन क्राइस्ट, मैं विश्वासी हूं, और यह भी एक समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। दूसरी बात, एक और बात लिखी हुई है 9वें पद में, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, लड़ाई और बलवा, तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका पहला होना अवश्य है। याद रखिए ये बलवे शुरू हो गए। फिर एक और बात लिखिए 10वें पद में, तब उसने कहा, यीशु ने कहा कि जाति जाति पर और राज राज पर चढ़ाई करेगा, शुरू हो चुका है, स्टेट वर्सेस स्टेट, प्रांतों के बीच लड़ाई हो रही, राज राज के, जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, जो अभी कोविड आया है फिर से अटैक कर रही। ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन है और यहां आत्मा बोलता है, वही आत्मा बोलता है जिसने वचन लिखवाया। बड़े बड़े भूढ़ोल होंगे, बहुत जगह भूढ़ोल हो रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े भूढ़ोल होंगे, अकाल और मरियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। फिर लिखा है परंतु इन बातों से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, शुरू हो चुका है, न्यूज सुन लो, पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में तुम्हें पहुंचाएंगे, जेल खाने में तुम्हें डाल देंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, तुम जेल में होगे, गवाह बनोगे, हालेलुया, तुम्हें लोग पकड़ेंगे, तुम गवाह होगे। ये सारी बातें जब हो गई हैं, अब ये शुरुआत है, शुरुआत है। कई जगह चर्च बंद हो रहे हैं, कई जगह बंद हो गए। बाइबल्स आराधना के बारे में क्या बता रहा है? बंद हो रही है। यशाय किताब खोल दें, यशाय बुक ऑफ इजाया, यशाय किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। यशाय किताब उसका 1 अध्याय और उसके 8वें पद को, यह लिखा हुआ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में कि झोपड़ी की नाई छोड़ दी जाएगी, वह ककड़ी के खेत में कि छपरिया था या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी रहेगी। बाप इसको समझना, ये गहरी बात इसके अंदर छुपी है। सियोन की बेटी दाख की बारी में कि झोपड़ी में, झोपड़ी की नाई छोड़ दी गई, वह ककड़ी के खेत में कि छपरिया या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। खेत में अगर आप देखते हो तो ककड़ी का खेत हो, कोई भी खेत हो, जैसे तो ककड़ी का दिया गया, दाग की बारी या दाग की बारी अंगूर लगते हैं, खेत, खेत के अंदर एक झोपड़ी बनाई जाती है, और वो झोपड़ी जो होती है वो एक ही होती है, ज्यादा नहीं होती, एक ही झोपड़ी होती है, तो छोटी और बड़ी, और उसमें जो रखवाला होता है उसमें वह समय समय पर जाता है,
वो रहता है और देखरेख करता है किसकी, खेत की। ये जो लिखा है इस किताब के अंदर, खेत में की छपरिया या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। फिर से इसको समझो, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, सियोन की बेटी, जो यहां का मतलब है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु की आराधना करते हैं, जैसे खेत में ये झोपड़ी अकेली सी खड़ी है, इसी तरह सारे चर्च खाली हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा वहां अकेला। ये शुरुआत हो गई अभी, ध्यान रखिए आप। इसलिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा इंतजाम किया आपके लिए, मेरे लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस देगा, धन्यवाद करो उसका, धन्यवाद करो उसका। ये शुरुआत हो गई है, पेपरों में पढ़ रहे हैं हम, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर बड़ी गहरी बात बताती, अकेला सब सब चल फिर है, खेत में सब कुछ है, लेकिन वो झोपड़ी अकेली खड़ी, कोई आना जा कोई नहीं वहां पर, सारे भवन सारे चर्च खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग रहेंगे सिर्फ बिल्डिंग, झोपड़ी के समान। ये होना है क्योंकि यीशु ने खुद कहा, मेरे आने से पहले सताए जाओगे। आर यू रेडी? तो उन्हें आपको मुझको वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, वो लोग सुख भी सुन रहे हैं, बहुत से लोग बातें करते हैं ना, बहुत से लोग हमसे ही बातें करते हैं, सुनो आज वचन को, ये समय आ गया, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अमोस क्या बोलता है? अमोस भी लिखता है कुछ इसी के आगे, योएल के आगे, अमोस है उसका आठवां अध्याय और उसके तीसरे पद को, 8:3, सब बाइबल किताबें भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता पहले कर चुके हैं आज के दिन के लिए, ये कोई नई बात नहीं, भविष्यवक्ता बहुत पहले कर चुके हैं, और यीशु ने खुल के बताया मेरे आने से पहले ऐसे सताव आएंगे, और कहलवे याजक प्रीस्ट पास्टर्स परेशान होंगे, विलाप करेंगे, ये होना है। इसलिए वचन सुनो, दोष मत लगाना, यीशु का मुख का वचन है जो पूरा हो रहा है। अमोश किताब उसका आठवां अध्याय तीसरे पद को, 8:3, अमोश उसका आठवां अध्याय और उसके तीसरे, परमेश्वर की वाणी है, सुन लो, ये दिस इज नॉट माय वर्ड, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत अहाकार में बदल जाएंगे, गाने खत्म, क्वायर खत्म, विलाप होगा। सब लोग कह रहे हैं मंदिर के गीत अहाकार अहाकार, इसको बोलते रोना, अहाकार मतलब वेलिंग, रोएंगे लोग, क्या मैं गा नहीं पा रहा हूं, मैं बजा नहीं पा रहा हूं। धन्यवाद करो प्रभु का, हम वीडियो कॉल से गा रहे हैं और बजा रहे हैं, धन्यवाद करो उसका, उसने हमको संभाल के रखा, आपको संभाल के रखा है। परमेश्वर की हवा की वाणी है कि दिन उस दिन राज मंदिर के गीत अहाकार बदल जाएंगे और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे, चुपचाप सारे गीत बंद हो गया, सॉन्ग्स स्टॉप्ड। ध्यान रखिए ये वाणी है परमेश्वर की जो पूरी हो रही, और फिर जो सताए जा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, अमोस 5:16 लिखा है, इस कारण सेना का प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों पर रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। शुरू हो चुका है, पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज पढ़ लो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मत कहना कि मैं सताया जा रहा हूं, वचन पे चलो, उसकी शिक्षाओं को पालन करो। विपत्ति बहुत तरह से आ सकती है, बीमारी से भी आ सकती है। बाइबल एक ऐसी किताब है, एक ऐसी किताब धरती पर है जिसमें रहस्य छुपा है, इट्स फुल ऑफ मिस्ट्री। और आज हम इस नए वर्ष में आपको रहस्य के बारे में बताएं, मिस्ट्री व्हाट द बाइबल सेज, आज वो रहस्य देखेंगे। इतनी बातें तो सुन ली, ये होना है, सताव आएगा, क्रिसमस निकल गया, हाय हाय लोग करते निकल गए, हमने उसका सम्मान नहीं किया जिसने आपको मुझको बनाया है। आज सब भवन खाली हो गए, अहंकार मच चुका है, सताव शुरू हो गया, ये तो होगा। बाइबल पूरी तरह से रहस्यमय किताब है और आज हम कुछ रहस्य की बातें इस किताब में देखेंगे। जो रहस्य है वो जिसको बोलते मिस्ट्री, बाइबल इज द मिस्ट्रियस बुक, फुल ऑफ मिस्ट्री,
बहुत जो रहस्य छुपे हैं, मनुष्य नहीं समझ पाएगा। आज भी लोग कहते हैं जब डॉक्टर है तो यीशु की क्या जरूरत है, मिस्ट्री है, रहस्य है, ये मनुष्य नहीं समझ सकता। आइए रहस्य के बारे में देखते हैं। रहस्य आपका भी है, अभी आप नए साल में आ गया हुआ, कल नहीं पता, अगला पल नहीं पता, मृत्यु कहां है, रहस्य है। ये मत सोचो कि मैं लंबी उम्र से होऊंगा, एक झटके उठाता हूं, क्योंकि सांस उसके हाथ में है, रहस्य है ये। दिस इज मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ। रहस्य की बात जब करते हैं, आज हम रहस्य के बारे में सोच देखेंगे। सी बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्री। रहस्य क्या है, रहस्य को क्या बोलते हैं, छोटी सी बात है, समझने या समझाने से परे। समझने मतलब रहस्यमय, रहस्यमय का मतलब है समझने और समझाने से परे। अब बहुत से लोग हैं, अब संसार को देखते हैं, वो संसार में रहते हैं, संसार में बहुत से लोग ना अपनी व्यक्तिगत बातों को छुपा कर रखते हैं। रहस्य है ये जो भेद है ना, बड़ा मुश्किल समझना। अब हम उस संसार में रहते हैं, किसी भेद को मनुष्य छुपाए हुए हैं या बताने से इनकार करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं रहस्यमय। सबसे बड़ा रहस्य क्या है, उत्पत्ति किताब है, उत्पत्ति 2:7 के अंदर, परमेश्वर सब कुछ रचा। रहस्य तो यह भी है कि परमेश्वर बोला, उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति 1 से लेकर और उसके आगे पढ़ते जाए तो लिखा है सब कुछ रहस्य। परमेश्वर कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधेरा था, उजाला कर दिया परमेश्वर। रहस्य है ये, कैसे हुआ, पेड़ पौधे कैसे बन गए, परमेश्वर कहा इस जगह पेड़ पौधे आ जाए, सारे पेड़ पौधे एकदम से बन गए, सूरज बन जाए दिन के लिए और रात के लिए चांद और तारे, वो भी बना दिया, सब कुछ रहस्य है। एक शब्द ने पूरी दुनिया को रच दिया। और सबसे बड़ा रहस्य एक और है, मनुष्य को बनाए हम और आप, बाइबल बताती है इसके लिए, उत्पत्ति किताब 2:7 में लिखा है, परमेश्वर मिट्टी का पुतला अपने शक्ल में बनाया। तो पहले कह दिया मैं मनुष्य को अपने शक्ल में बनाऊंगा, अपनी सामानता बनाऊंगा, पुतला लिया और उसको अपने शक्ल में बनाया और लिखा उसके अंदर उसने अपनी सांसें डाल दी। उसकी जैसे सांसें डाली क्या हुआ, शरीर के अंदर नसें तैयार हो गई, शरीर के अंदर खून बहने लगा, चमड़ी आ गई, मिट्टी में चमड़ी आ गई और वो मनुष्य था, खड़ा होकर चलने लगा। रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। सुनो वचन को, मनुष्य के पास छोटी बुद्धि है, वो छोटी बुद्धि में क्या हो शैतान काम करता है और इसी बुद्धि में परमेश्वर भी आना चाहता है, वो अपनी रहस्य की बातें बताना चाहता है, लेकिन हम नहीं सुनना पसंद करते क्योंकि मेरी आंखों से हम उन चीजों को देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। आंखें हैं, संसार को देख रहे हैं, दरवाजे देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। रहस्य है ये। पहला रहस्य है पृथ्वी कैसे बनी, सूरज चांद सितारे कैसे बने, जानवर पक्षी कैसे बने, और सबसे बड़ा रहस्य है एक पुतले के अंदर जब परमेश्वर अपनी सांस को डाला तो पुतला क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। क्या था उसके अंदर, नसें आ गए, उसके अंदर खून बहने लगा, वो सांस लेने लगा, चलने फिरने लगा। रहस्य। और एक और रहस्य हिजकेल किताब में आया, परमेश्वर अपने 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 एक सेवक को जिसका नाम हिजकेल, उसको तराई के पास ले गया और क्या दिखाता है, तराई में गड्ढा दिखाया और उस गड्ढे में ढेरों सूखी हड्डियां, कुछ समान युद्ध हुआ होगा, उस हड्डियों को दिखाया और परमेश्वर उसको हड्डियों के चारों तरफ उसको घुमा दिया। और जब वो व्यक्ति हिजकेल उस हड्डियों के सामने घूम फिर रहा था, चल रहा था, तो वहां पर परमेश्वर कहता देख इस हड्डियों को, अगर आप हिजकेल निकालते 37वां अध्याय और उसके 1 को पढ़ेंगे, परमेश्वर की शक्ति, यानी आप परमेश्वर के भेद को आप ऐसे नहीं समझ सकते जब तक पवित्र आत्मा ना हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। शैतान वैसे ही कहता रहेगा तू तो सब जानता है, जो आपके मन में डाल देगा तू तो सब जानता है। जैसा बहुत से लोग कहते हैं हम तो सब जानते हैं, बाइबल जानते हैं, कोई नई बात नहीं, वो अपने को धोखे में रखे हैं। आज इसलिए वीराना आ गया है,
ये परमेश्वर पहले ही गलत है कि जो लोग मुझे धोखा देते हैं, रहस्य की बातें। परमेश्वर की आत्मा जब हिजकेल में गया और हिजकेल को परमेश्वर ले गया तराई में, और वहां जाकर वो तराई में एक गड्ढा दिखाया और गड्ढे में सूखी हड्डियां थी। तब परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर पूछा तीसरे पद में, तब परमेश्वर ने हिजकेल से पूछा, है मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हम और आपको कोई शमशान घाट में खड़ा कर दे जाके और कहे भाई ये हड्डियां जी सकती, हम कहेंगे भैया अपने बस की नहीं, जी कैसे जी सकते, तुम्हारे पड़े हुए। क्योंकि उस समय युद्ध हुआ था, कहीं हाथ था, कहीं पैर था, कहीं गर्दन थी। तो कहता मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है परमेश्वर, ये तो सूखी हड्डियां पड़ी है, हाथ कहीं है, पैर कहीं है। परमेश्वर पूछ रहा उसे, क्या ये जिंदा हो सकती है? आगे लिखा हुआ है, वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है, यानी हिजकेल कह रहा ये मेरे बस की नहीं, तू ही जानता है इस ये रहस्य की बात, तू ही जानता है। परमेश्वर का काम कर, मैं दिखाना चाहता हूं, अपने रहस्य को बताना चाहता हूं, इन हड्डियों के सामने खाओ जा और मैं जो बोलता जा वचन सुनाता जा, जो मैं बोलता हूं वचन सुना। क्या सुना? परमेश्वर का ये वचन, तुम हड्डियों से ये कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे, और तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चलाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढकूंगा, और तुम में मांस समाऊंगा, तुम जी उठोगे, जी जाओगे। रहस्य था। और बाइबल बताती है जैसे जैसे हिजकेल बोलता चला गया, और क्या हुआ, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोलने लगा, लिखा सातवें पद में, और इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी यानी परमेश्वर की बातों को बोलने लगा, और कह रहा कि मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट हुई, एक भोडोल हुआ, और भी हड्डियां इकट्ठी होने लगी, कहीं पैर था, कहीं सर था, कहीं धड़, सब इकट्ठी होने लगी। जिसका सर था, जिसका सर और हाथ धड़ से अलग था, वो उसी धड़ में आकर जुड़ने लगी, इकट्ठा हो गई, हड्डियां जुड़ गई। और हिजकेल कहता मैं इस रहस्य को देख रहा था, ये जो मिस्ट्री थी, आई वॉज लिटरली वॉचिंग थ्रू माई आईज, हड्डियां एक साथ इकट्ठा हो गई, मैं देखता रहा और देखा, उसके बाद उसमें नसें समा गई, उसमें मांस चढ़ गया, और वे चमड़े से ढक गई, परंतु उन्हें सांस ना थी। तब परमेश्वर कहता है सांसों से बोल, चारों तरफ से आए, मेरी सांस से चारों तरफ है, और जैसे उसने सांसों से कहा और तुरंत सांस आकर उसमें समा गई, और लगे सारे के सारे जिंदा हो गए, और सारे सारे खड़े होकर बड़ी सेना बन। हालेलुया, मिस्ट्री, रहस्य है परमेश्वर का, मनुष्य नहीं समझ सकता। और आज हम उससे उसको विरोध करते हैं, उसका सामना करते हैं। जो लोग सुन रहे, सुनना, वो ईश्वर है, रहस्य छुपा हुआ है। एक और रहस्य जो निर्गमन किताब उसके 14वां अध्याय किस पर लिखा है, यहां पर परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग के, जिस जगह हम होकर खुदा दी, जिस समुद्र को दो भाग के कोई कर सकता है, निर्गमन किताब उसका और 14वां अध्याय, निर्गमन उसका 14वां अध्याय और उसके 21 को पढ़ेंगे, बल 13 से शुरू करेंगे। जब लोग जो थे फंस गए पीछे से, फैरो जो था, फैरो वो अपनी सेना को लेकर आ, तलवार लिए हुए, भाला लिए हुए, और आगे लाल समुद्र आ गया, और जितने लोग थे, लाखों लोग थे, मिस्री लोग, कहां जाएं, किसके पास जाएं, पीछे जाए तो तलवार से और आगे जाए तो समुद्र है। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा क्या बोलता है, 13वां पद 14वां अध्याय में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम को देखो जो यहोवा जो ईश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है, खड़े खड़े उस रहस्य को देखना। सी द गॉड इज द मिस्ट्री गॉड, तुम जानोगे। तब भी लोग चिल्लाने लगे, अरे कहां मरवा रहे हो, लाल समुद्र आगे मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो खून निकले हम लोग का। मूसा कहता डरो मत, ये रहस्यमय परमेश्वर हमारे साथ है, डरो मत। जिन मिस्त्रियों को, जो लोग को तुम देख रहे हो पीछे तलवार लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको हमेशा के लिए खत्म कर देगा, फिर तुम कभी ना देखोगे। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो ईश्वर रहस्यमय ईश्वर है, वो आपके लिए मेरे लिए आज भी लड़ेगा। रहस्य की बातें कभी नहीं सोचा था वीडियो कॉन्फ्रेंस खड़े होंगे, क्यों? जो होना था वो शुरू हो गया, योना शुरू हो गया, ककड़ी के खेत में झोपड़ी अकेले खड़ी, कोई नहीं हो जाने वाला, सब जगह आज यही हालत हो गई है, खड़े खड़े उसको उद्धार को देखो। बाइबल बताती है इसके 21वां पद लिखा, और मूसा ने अपना हाथ समुन्दर पर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुन्दर को दो भाग कर दिया। मिस्ट्री है, रहस्य है, समुद्र दो भाग हो गया, और ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई, और सारे के सारे लाल समुद्र से उस पार चले गए,
सारे सारे इसराइली आपके जीवन में परमेश्वर की परेशानियों जो खड़ी होती ना फाड़ देगा। रहस्यमय परमेश्वर है वो, ही इज द गॉड फुल ऑफ मिस्ट्री एंड ही वर्क्स इन दिस मिस्ट्री। एक और जगह पर परमेश्वर रहस्य देखो इसके 17:5-6 में लिखा है, परमेश्वर ने इसराइलियों को पानी पिलाने के लिए क्या किया, मूसा से कहा इस चट्टान पर लाठी मार। पानी नहीं था वहां, लाखों के लोग थे, मैं जगह देखकर आया। इसराइली कह ले पानी नहीं है, प्यास लग रही है, जो पानी था खत्म हो गया, कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा ये चट्टान पर मार अपनी लाठी, तेरी लाठी तुझे नहीं पता इस लाठी में मेरी सामर्थ है। और जैसे मूसा लाठी को मारा चट्टान पे और चट्टान से पानी आ गया। कहानी नहीं है ये, हकीकत है। वो कुछ भी कर सकता है जब आप परेशान हो गए, आपकी परेशानी में वो आपके साथ है। रहस्य, चट्टान से पानी निकाल दिया। अब भाई बताती है भूखे थे, खाना नहीं था, स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया। निर्गमन 16 के अंदर आया, स्वर्ग से उसने खाना दे दिया मनुष्य को, लाखों लोग थे वहां, कोई सिगड़ी बोलते ना, सिगड़ी नहीं जलाई गई, कोई तंदूर नहीं लगाया गया, कोई चूल्हा नहीं जलाया गया। रहस्यमय परमेश्वर है। हम इस नए साल में इस रहस्य को जाने, आने वाले समय क्या होने जाएगा, हम कुछ नहीं जानते, मनुष्य हैं। भाई बताती है दानिय्येल किताब उसका 3:24-27 लिखा है, तीन व्यक्ति जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, शद्रक मेशक अभिदनेगो, और जो राजा था उसने कहा यदि मेरी कोई उपासना ना करेगा और जो मैंने मूर्त बने उसकी उपासना ना करेगा और उसके सामने नहीं झुकेगा तो उसको आग में डाल दिया जाएगा। और शद्रक मेशक जो थे वो कहले कुछ भी हो जाए राजा की इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, हम उस ईश्वर की आराधना करते जो सच्चा है, जो रहस्य भरा। और जब राजा को खबर पहुंची, राजा ने कहा आग का भट्टा जो है उसको 7 गुना धक्का दो, 7 गुना धक्का दो, और आग का भट्टा 7 गुना धक्का दिया, अभिनेगो शर्दक और अभिनेगो को उस भट्टे में फेंक दिया। और क्या देखा, उस भट्टे के अंदर 3 लोग डाले गए, चौथा पुरुष अंदर दिखा। राजा खड़ो के देखते चौथा व्यक्ति कौन है, सबको बुलाता जिन्होंने उसको डाला, भाई हमें 3 डाले थे, कहना 3 डाले थे, चौथा कहां से आ गया। राजा खुद बोलता ये परमेश्वर के पुत्र के समान है, ये जीसस क्राइस्ट मिस्ट्री है, याद रखिए परमेश्वर रहस्य भरा है। और राजा ने बाहर निकाला और उनको अच्छी तरह चेक किया, बाल तक नहीं जले उनके, मोजे तक नहीं जले, अरे बाप रे मोजे तक नहीं उतारे, ऐसे ही फेंक दिया, मोजे तक नहीं जले। और राजा कह लगा ये सच्चा परमेश्वर, हालेलुया, जो रहस्य भरा है ये सच्चा है, सब इसकी आराधना करो, ये अनाउंस, ये प्रोक्लेम, वर्शिप हिम करो ब्रो, ईश्वर है वो तो एक बार काम करेगा। एक और जगह देखते हैं रहस्य की बात, दानिय्येल किताब 5:4-6 में लिखा है, एक राजा था जो बड़े अकड़ में था, इतनी अकड़ थी इसके अंदर, उसने मंदिर के पवित्र बर्तन को बुलाकर उसमें शराब पी, खुद पिया, रखेलों पिलाया, रानी पिलाया, और जितने उसने मंत्रियों को बुलाया सबको बुलाया, और पीने के बाद नशे में हो गया, खूब नाच रहा है, गा रहा है, खूब नाच रहा है। राजा सोचा मेरे समान अब कोई है, मैं सबसे बड़ा हूं। और थोड़ी देर क्या देखा, एक हाथ आया और दीवार पे कुछ लिखने लगा, और राजा ने उस हाथ को देखा, उंगलियों को देखा, और उसके बाल उतारती टकने ढीले पड़ गए। दानिय्येल किताब के अंदर है, दानिय्येल किताब 5:6, राजा जो था उस उंगली को देखकर, हाथ को देखकर डर गया, उसकी सारी नशा उतर गया, और वो कहने लगा ये कौन है, क्या चीज है लिखा इस पे, बड़े तंत्र मंत्र जादू टोने वालों, ज्ञान वालों को, शास्त्र को, सबको बुलाया उसने कि बता दे कोई क्या लिखा इसमें, कोई नहीं बता पाया, रहस्य था ये, कौन बताएगा रहस्य को, उसने सबको बुलाया कोई नहीं बता पाया। एक बाइबल के अंदर लिखा है उसकी मां वाई और कहे एक है व्यक्ति जो इस रहस्य को बता सकता है, एक है इसमें महल के अंदर, जेल खाने बंद है, बुला उसको, दानिय्येल है वो, उसके अंदर परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो भेद बता देगा। उसको बुलाया गया 5:24, तभी ये हाथ, मतलब बता रहा, हाथ आ गया ऊपर और लिखने लगा कुछ, उंगली से लिखने लगा,
और जो शब्द लिखे थे मने मने तकील उपसीन, इस वाक्य का अर्थ है, अर्थ बताता है, बोलता है इसका अर्थ है अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया, तो ये राज अब खत्म हो जाएगा। ये लिखा है, ये रहस्य जो है मैं बता रहा हूं, परमेश्वर मुझे बताया, उसका आत्मा बताता है, जो लिखा है वो बता रहा है कि तेरे राज के दिन गिन कर उसने अंत कर दिया, 26 शब्द और 27 लिखा है तकेल तू मानो, तकेल का मतलब तू मानो, तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया, नया साल शुरू हो गया, तराजू में तोलना परमेश्वर सबको, तोलेगा सबको, पिछले साल जो कर दिया रिपीट मत करना, डोंट रिपीट इट, ही इज गॉड, जिसके हम आराधना कर रहे हैं वही दानियल का परमेश्वर हमारे साथ है, इस बार भी याद रखिए, जो दिखता नहीं रहस्य भरा है अंदर बैठा है, वो रहस्य है, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन रहस्य है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस दुष्ट आत्मा निकल रही है, रहस्य है ये, लोग अचकित हो रहे हैं देखकर ये क्या हो रहा है, इस गॉड इज फुल ऑफ मिस्ट्री, बाइबल जो है पवित्र शास्त्र है, रहस्य भरी किताब है, एक व्यक्ति पहला राजा इज़राइल के लिए चुना परमेश्वर, खुद चुना शाऊल, और सैमुएल को भेजा जो प्रभु का दास था, सेवक था, उससे कहा जा इसको अभिषेक कर पहले, ये मेरे राज के लिए काम करेगा, ये इज़राइल के लिए इज़राइल का राजा बनेगा, परमेश्वर जिसको चुनता है अभिषेक करता है, बिना अभिषेक करे कोई सेवा मत करना, अभिषेक होना बहुत जरूरी है। भाई बताती है कि शाऊल जो था जब अभिषेक कर दिया गया, तो उसके ऊपर तेल डाल दिया गया, तो वचन के अंदर लिखा हुआ है सैमुएल बोलता है कि तू पहाड़ पर जा, वहां पर परमेश्वर के लोग आराधना कर रहे हैं, पहला सैमुएल उसका 10:10 में लिखा है, जब तू उस आराधक में जाएगा, उस आराधक में पहुंचेगा, तो जैसे वहां पहुंचेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और पवित्र आत्मा ऐसा उतरेगा तुझे बदल देगा, रहस्य है ये। और शाऊल के साथ यही हुआ, जब शाऊल उस आराधना में पहुंचता है और आराधक आराधक लोगों के पास जाता है, जब लोग गाने बजा रहे, ढोलक बज रही, बांसुरी बज रहे, सितार बज रहे, सारे सारे गाने वाले बजाने वाले वो जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे थे, शाऊल पहुंचता है, आत्मा उस पर उतरता है और शाऊल बदल जाता है और शाऊल फिर राजा बनता है। परमेश्वर जब अपने काम करता है, रहस्य उसमें छुपा हुआ है, बदलता है, उसका आत्मा ही बदलेगा आपको, द स्पिरिट ऑफ गॉड। दूसरा राजा उसके दो और उसका 11 पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर एलिया जो उसका सेवक था, भाई बताती है कि परमेश्वर कहा था मैं तुझको स्वर्ग उठा लूंगा, तुझको जिंदा उठाऊंगा मैं, और एक दिन ऐसा हुआ, पहले बताती है जो एलिशा जो था उसका सेवक था, उसका असिस्टेंट था, वो बेटा उसके साथ रहता था, एलिशा कहने लगा तू कहीं भी जाए मैं तुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो रहस्य उसके अंदर था वो रहस्य सबसे अलग था, यर्दन नदी के पार उसको जाना था और यर्दन नदी जब पहुंचते हैं तो एलिशा उसके साथ था और नदी सामने आ गई, उस गुरु ने अपना दादा उतार निकाला और निकाले उसको, उसको लपेटा ऐसे और लपेटने मोड़ने के बाद पानी पे डाल दिया, मारस को पानी, यर्दन नदी दो भाग हो गई, जहां पर होकर आने दो भाग हो गई, रहस्य था ये रहस्य। एलिशेत वो खेती बाड़ी कर रहा था, बैल चला रहा था, और परमेश्वर का आत्मा जो रहस्य भरा था उसको भी नहीं पता, एलिया ने उतार कर अपनी चादर उसके फेंक दी, और जब चादर उसके फेंकी वो उसको वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे आ गया, रहस्य ही है, पवित्र आत्मा जो है रहस्य का काम करता है। अब बाद में क्या हुआ, एलिशा जो था एलिया के साथ साथ चलता रहा, और यहां पर लिखा है परमेश्वर उसको उठाने को था, और एक दिन बात करते करते दोनों जा रहे थे, और लिखा इसके 9 में, और उसके पार यानी उन उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, उससे कहा एलिया ने एलिशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मैं मांग। एलिशा ने उससे कहा तुझ में जो आत्मा है उस आत्मा का दुगना हमें दे दे भाग, जो तेरे अंदर रहस्य है, द मिस्ट्री व्हाट यू हैविंग इनसाइड योर बॉडी, आई नीड द डबल पोर्शन, मुझे दुगना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है भेद की बात, एलिया ने कहा कठिन बात तूने मांगी, तो अभी तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए जैसा होगा जैसा तूने कहा वैसे ही होगा। और वे चलते चलते बात कर रहे थे, अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ा
ने उनको उनको दोनों को अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग में चला गया। भेद है ये, स्वर्ग से एक बग्घी आई, रिसीव किया, उसको रिसीव किया, दुनिया को बताना चाहता परमेश्वर रहस्य भरा है, दुनिया को बताना चाहता। और जब इसने कहा दुगना मसा, दुगनी पोर्शन चाहिए, दुगनी आत्मा चाहिए, मांगा मिल गया। मिस्ट्री है ये, इस बात पे याद, जब आप मांगोगे आपको मिलेगा, वो रहस्य भरा ईश्वर है। और फिर क्या हुआ, जब एक समय आया एलिशा मर गया, एलिशा की मृत्यु हो गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई भाई बताती है उसको दफना दिया गया, जमीन में एक जगह उसको दफना दिया। और जब उसको दफना दिया भाई बताती है, इसी दूसरा राजा में जब उसको दफना दिया गया और कई दिन हो गए, कुछ लोग एक लाश को ला रहे थे, कुछ लोग जो थे एक लाश को गाड़ने को ला रहे थे, और जब उसको गाड़ने को ला रहे थे तो बाइबल बताती है कि सामने से जिनसे युद्ध हो रहा था वो लोग आ रहे थे, लोग डर के मारे इन्होंने जल्दी से गड्ढा खोदा और एलिया एलिशा की लाश में उसको दफना दिया। और जैसे एलिशा की लाश से ये लाश टकराई, उसकी हड्डी टकराई, भाई बताती है जो मर गया था वो जिंदा हो गया। हालेलुया, रहस्य है ये। God is full of mystery. He is a mysterious God. यानी परमेश्वर रहस्य से भरा ईश्वर है, रहस्य ही रहस्य है ये किताब का परमेश्वर। दूसरा राजा उसके 13 को पढ़ते 20 पढ़ लेगा, तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। एक वर्ष के बाद मोआब देश के दल के लोग वहां पे आने लगे, लड़ाई हो रही थी, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल ने उन्हें देख लिया, जो युद्ध हो रहा था उन्हें देख लिया, अरे ये लोग है पकड़ो उन्हें मारो। तब उन्होंने उस लोथ को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और लिखा बाइबल के अंदर वे अपने आप पांव पर खड़ा हो गए। यह है मिस्ट्री, परमेश्वर की आत्मा कहीं भी काम कर सकता है। मर चुका था, हड्डियां सूख चुकी थी, लेकिन हड्डियों में सामर्थ्य थी। द पावर ऑफ गॉड वॉज देयर। परमेश्वर रहस्य से भरा, याद रखिए ये पुस्तक मेरे हाथ में ना रहस्य है। नया साल शुरू हो गया, अगला पल आपको नहीं पता, अगला पल नहीं पता आपको। रहस्य क्या है, कुंवारी मरियम से परमेश्वर ने पुत्र को दे दिया। रहस्य है ये। स्वर्गदूत आता है और बोलता कुंवारी मरियम से, मरियम तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो कहता मैं तुम मेरी शादी नहीं हूं, मैं किसी को जानती नहीं हूं। उसने कहा पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है उसका रहस्य वाला आत्मा जो रहस्य से भरा है वो तेरे अंदर आएगा और तेरे अंदर से जो बच्चा उत्पन्न होगा पवित्र होगा। रहस्य था ये। आज भी लोग कहते ऐसा हो नहीं सकता, अरे वो सब कुछ कर सकता है। ये किताब का परमेश्वर सब कुछ कर सकता। ज्ञान लो, receive the knowledge so that you may not be defeated in this coming year. पवित्र आत्मा ही सारा काम करता, रहस्य है ये, दिखता नहीं काम करता। यही यीशु पानी पर चला, रहस्य है ये। यही यीशु जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था उसको भी नहीं पता मरियम को कि इसके पेट में जो बच्चा पैदा होने वाला पानी पर चलेगा। उसको नहीं पता था ये बच्चा जो उसके पेट से निकलेगा वो आंधी तूफान को रोकेगा। उसको नहीं पता था ये बच्चा उसके पेट में से निकलेगा लोगों से चंगा करेगा। उसको नहीं पता था कि जिसको ये दूध पिला रही है ये लाजर को जिंदा करेगा। उसको नहीं पता था कि ये क्रूस पर मरेगा। रहस्य है ये, रहस्य है। नया साल आ चुका है, रहस्य वाला साल है ये। अब सोच लो जो आने वाला साल जो है स्थल शुरू हो गया है, ये रहस्य भरा हुआ है। प्रभु यीशु ने जन्म के अंदर की आंख खोल दी, रहस्य था ये, तो कोई नहीं खोल सकता। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ने से पहले वो बगीचे में प्रार्थना कर रहा था और यीशु का रूप बदल गया, यीशु का रूप बदल गया, स्वर्ग के वस्त्र पहने सफेद और चमकदार, और उसके सामने एलिया और मूसा चल फिर रहे थे। इस बात को पतरस से देखा, यूहन्ना ने देखा। रहस्य था ये, क्या है ये? रहस्य ये भी था, प्रभु यीशु को 39 कोड़े मारे। एक कोड़े में इंसान मर जाता है, एक कोड़े जो है इसके अंदर ये जो कोड़ा होता है रस्सी जो होती है ना ये चमड़े की होती है और इस रस्सी के कोने में हड्डियां बांध देते, बांधना जो होता है वो गांठ अलग होती है
और उसके साथ शीशा यानी लेड बोलते इसको, लेड उसको जोड़ते थे, और जब पड़ता था तो पूरा मांस आता था, सर पे कांटों का ताज डाल दिया, घुमा दिया, निश्चय है ये मरा क्यों नहीं, भारी सूली, अब देख कर रहा है सब जगह भारी सूली लेकर कैसे चला यीशु। और उसके बाद उसको नंगा किया, वो कमरा भी देख कर आया जहां पर उसको नंगा किया, हाथ पैरों में कीले ठोक दी, रह सही है, और जैसे कहा उसने मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा, और तीसरे दिन मुर्दे में खड़ा हो गया, कब्र फाड़ के बाहर आ गया, रहस्य ही है, ही इज द मिस्ट्री, द गॉड इज फुल ऑफ मिस्ट्री। यीशु मरने के बाद 40 दिन 40 रात लोगों को दिखता रहा, यीशु लोगों से बातचीत कर रहा, चेलों से बातचीत कर रहा, काफी लोग उसके साथ थे, और यीशु कह रहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम शक्ति पाओगे, और तुम मेरे गवाह इस देश से दूसरे देश तक बन जाओगे। मिस्ट्री है ये, आज हम यहाँ पर गवाह बने, इस जगह पे खड़े हम, देश विदेश तक सुसमाचार जा रहे, यह है गवाही, यह गवाही, ये रहस्य की बात है जो आप और मैं नहीं समझ सकते। यीशु रहस्य की बात बता दी, तुम मेरे गवाह बनो, यू विल विटनेस मी नॉट ओनली इन योर नेशन, यू विल बी विटनेस मी इन अदर कंट्रीज, इन अदर नेशन, अदर कॉन्टिनेंट्स। हालेलुया। और यीशु बातें करते करते बता रहे हैं कि पहाड़ पर चला गया, जिस पहाड़ पर यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था, पहाड़ी वचन वहीं पर दिए गए, फिर तो काम के अंदर आया है। यीशु मसीह उस पहाड़ी पर जाता है बात करते करते, और जब बात कर रहा था लिखा है वचन के अंदर कि यह कहकर, प्रियतो काम उसका 1:9 में लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादलों ने उसकी आंखों से छुपा लिया। रहस्य है ये, कैसे धरती पर उठा लिया गया, ऊपर कोई भी चीज होती नीचे गिरेगी, ऊपर वापस जा सकती, आप पत्थर ऊपर फेंको नीचे गिरेगा, किसी भी चीज को ऊपर फेंको नीचे गिरेगा, ये साइंस बताती है, न्यूटन, आइजक न्यूटन बोलता है साइंटिस्ट, ठीक है, कौन है ये, धरती पर से उठा लिया प्रभु यीशु, हालेलुया, रहस्य भरा है ये, ही असेंडेड इन द हेवन, बादल ने काम छुपा लिया, और जब वो चला गया दो सरदूत आगे खड़े हो गए, पुरुष की तरह खड़े गए, और कह रहे हैं हे गलीली पुरुषों, गलील के लोग थे वो, तुम यहां खड़े क्यों स्वर्ग की ओर ताक रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे बीच में से उठा लिए गए, रहस्य ये, उठा लिया गया, ये फिर से आएगा, हालेलुया, ये फिर से आएगा, जिस तरह तुम देख रहे हो, अब समय आ गया यीशु का आने का, इसलिए का चिन्ह हो रहा, ये चिन्ह जो आप देख रहे हो शुरू हो गया है, ये इट इज जस्ट स्टार्टिंग, इसलिए परमेश्वर आपको मुझको वीडियो कॉल पर रखा है कि हम उससे वंचित ना हो जाए, इसका प्यार है कि पवित्र आत्मा रहस्य भरा है, रहस्य भरा है, मसीह से भरा था, इसलिए शुक्र तुम मुझे नहीं जानते, मिस्ट्री, पहले बताती है यीशु मसीह सब पर चला गया, यही यीशु लिखा है जैतून पहाड़, तो जैतून पहाड़ पर थे, जिस पर जगह हम भी गए, होकर आज जैतून पहाड़ पर, वहां हम खड़े हुए थे जहां से यीशु उठा ले गया, जब यीशु उठा लिया गया उसका एक पैर जमीन पर था और एक पैर उठ गया ऊपर, यीशु उठ गया एक पैर जमीन पर रख गया, वो आज भी पंजे आदि बने हुए, हमने जाकर वहां धन्यवाद किया, गुरु का है, रहस्य ये, आपका मेरा जीवन रहस्य भरा है, परमेश्वर के पास आओ, यीशु पास आओ, रहस्य वाला ईश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देगा। भजन सीता 104 में लिखा, जल्दी खोलते हैं, भजन सीता 104 और उसके 32 का लिखा हुआ है, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, देख लो रहस्य ये, उसके देखने से, उसकी साइट से पृथ्वी कांपने लगती है, कहो मनुष्य विरोध कर रहे हो, कहो मनुष्य तुम विरोध करो सातवा का, उसके देखने से वो सामर्थ्य निकलती है उसकी आंखों से, दिखाया उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है, छूते ही इतना पहाड़ कैसा भी हो, छूते ही पहाड़ गल जाते, धुआं निकलता है, रहस्य है ये, इट्स अ मिस्ट्री, एंड गॉड इज फुल ऑफ मिस्ट्री, एंड द बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्री, बाइबल का परमेश्वर इस बारे में आपको मुझको बता रहा है, 24 में लिखा हुआ है, इसी के 104 के 24 में, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने अपनी बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है, अर्थ इज द ट्रेजर ऑफ गॉड, पृथ्वी तेरे
संपत्ति से परिपूर्ण है, यानी परमेश्वर रहस्य भरा है। आप अपना कुछ नहीं कर, हम सिर्फ डिस्कवरी कर सकते हैं, और डिस्कवर करने वाले कुछ ही लोग हैं। हम लोग बुराई जल्दी डिस्कवर कर लेते हैं, बुराई जल्दी ढूंढ लेते हैं। बाइबल का परमेश्वर पवित्र है, रहस्य भरा है। 104:14 में लिखा हुआ है, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अनादि उपजाता है। पशु घास कहां से आ रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की ये सामर्थ है, ये रहस्य, घास कैसे उपजा देता धरती पर से, जानवर के लिए प्यार करता है, क्योंकि सब उसकी संपत्ति है ये, और मनुष्य के काम के लिए अनादि उपजाता है। मनुष्य के काम के लिए जमीन से अन्न निकलता है, और इस रीति से भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है, भूमि से भोजन वस्तु। तो हमारा कुछ नहीं है, परमेश्वर रहस्य भरा है। आप किसके पास हो? उस रहस्य में परमेश्वर के पास हो। किसके पास हो? उस रहस्य में परमेश्वर के पुत्र यीशु के पास हो। 102 में लिखा है, भजन 102:27 को पढ़ लेते, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तू वही ईश्वर है, यू कैनॉट डाई, गॉड कैनॉट डाई। तू वही ईश्वर है जिस सृष्टि को बनाया, तू वही ईश्वर है जिसको मनुष्य को तूने मिट्टी से रचा है, तू वही ईश्वर है जानवर के भोजन का इंतजाम करता है, मनुष्य के भोजन का, तू वही ईश्वर है जो मनुष्य को सांसें देता है। आज भी तू वही है। कहां है हम? नया साल शुरू हो गया, हम क्या सोच रहे हैं? मत्ती किताब उसका 22वां अध्याय, मत्ती किताब उसका 22वां अध्याय और उसके 29वें पद में यीशु की वाणी है, यीशु खुद कह रहा है, मत्ती किताब 22वां अध्याय 29वें, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। हालेलुया, यू डू नॉट नो द गॉड हु इज द फुल ऑफ मिस्ट्री। ये वो परमेश्वर रहस्यमय है, यीशु कह रहा है इस बारे में कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो, एक दूसरे को सता रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो और मेरे आत्मा खिलाफ जा रहे हो। पढ़ो उस किताब को, भेद छुपा है इसमें और भेद हमें प्रकट करता है। प्रार्थना में जितने प्रभु की सेवा के आत्मा से भरे हो, भेद प्रकट करता है, भेद प्रकट कर दिया। ये भेद ही ईश्वर है, और ये शरीर रहता दिखता नहीं आपको, किसी को नहीं दिखेगा, तभी बुराई करते रहते, वैसा है वैसा है, लेकिन उसकी सामर्थ हमारे चारों रहती। यशाया किताब उसका 45:3 में लिखा है, अंधेरे में छुपा हुआ धन जिसे तू अभी नहीं जानता, अंधेरे में वो गुप्त बातें, रहस्यमय बातें, अंधेरे में छिपा हुआ गुप्त धन जो आपके लिए मेरे लिए रखा गया है। वचन लिखा है, अंधेरे में मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का, आई एम द गॉड ऑफ जेकब, मैं इज़राइल का परमेश्वर। इज़राइल व्यक्ति का नाम है, आज वो देश बन चुका है। गुप्त बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंची है, परमेश्वर इस साल आपको देना चाहता है। आर यू रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग? अगला पल नहीं पता आपको, मनुष्य घर से निकलता वहां खबर आती मृत्यु हो गई, रहस्य है ये। मनुष्य घर खाट पर लेटा हुआ है, रात को अच्छा खाना खाया, सुबह देखा मर गया, मृत्यु, ये रहस्य है जो मनुष्य के सामने नहीं आ सकता। तो यीशु की मृत्यु हुई और उसके बाद यीशु मर के जिंदा हुआ, ये रहस्य है। इब्रानी किताब उसका 13वां अध्याय में लिखा है, इब्रानी किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 9 में लिखा हुआ है, नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। तो आज हम YouTube में देख रहे हैं, यहाँ वहां की बातें सुन रहे हैं, यहाँ वहां के मैसेज आज हम लोग शेयर कर देते हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है, नाना प्रकार के ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। बार याद रखिए, डिसीव मत हो, डोंट गेट डिसीव्ड। जो आज आप वचन सुन रहे हो, इस वीडियो कॉल में जुड़ो हो, प्रभु ने आपको बचा कर रखा है। खेत में झोपड़ी खड़ी, सब हालत बुरी हो रही है, ये स्टार्टिंग है अभी, और जो वचन है प्रभु ने कहा वो पूरा होगा। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, ये रहस्य है, रहस्य है ये, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता को, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं देख सकता। ये खुली बात है, रहस्य है ये। फॉलो जीसस। उम्र बढ़ती जा रही है, यीशु के पीछे आ जाओ। इस साल आ चुका, मैं सोचू कि मैं 12 महीने तक जाऊंगा, पता नहीं कब मृत्यु ले लूं, कब मृत्यु हो जाए आपकी, आज पहला दिन है, पता नहीं मेरी शाम को ना हो जाए। नोबडी नोस, रहस्य है ये।
प्रभु के पास आओ, से प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु तूने पिछले साल संभाला, धन्यवाद। अब नया साल आ गया है, वो रहस्य भरा ईश्वर है आपके जीवन में हर चीज को प्रकट कर देगा, आने वाली बातों बता देगा। ये रहस्य है तो आज परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा आने वाली बातें बता दे। रहस्य है ये, इसको सुनो, ये रहस्य है और यही हमको मजबूत कर देता है। बुराई से दूर हो जाओ, बेकार की बातें दूर करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं नकारात्मक ना रहूंगा। यू आर अपोजिंग द मिस्ट्रियस गॉड। जो लोग इस ईश्वर का विरोध कर रहे हैं वो रहस्य में पिता का विरोध कर रहे हैं। सब कुछ रहस्य है, ये पुस्तक रहस्य भरी है। यीशु आ रहा है, रहस्य ही कब आ जाए नहीं पता, लेकिन उसका आने से पहले खेत में झोपड़ी की तरफ खड़े होंगे, चर्च खाली होंगे। हम बढ़ाए, हमने पाप किया है, दिस इज अवर सिन, जो विलाप गीत में आया है। परमेश्वर के प्रेम को जानो, उसके प्रेम को जानो, उसके प्रेम में रंग जाओ। पहला दिन है, धन्यवाद करो प्रभु यीशु, अब मैं तेरे साथ चलूंगा चलूंगी, अगला पल नहीं पता, कठिनाई अब शुरू होगी। ये तो अब मैंने बताया आपको, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये कड़वाहट अभी हमारे होठों पर ही है, अभी अंदर जाना बाकी है। इसलिए प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, खुद करो, परिवार के लिए करो, अपने लिए करो, अपने देश के लिए करो, मिनिस्ट्री के लिए करो, पड़ोसी के लिए करो, अपने बॉस के लिए करो, सबके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में सामर्थ है, परमेश्वर रहस्य भरा ईश्वर है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे, नया साल आप सबको मुबारक हो, और ये नया साल भी रहस्य का साल है। प्रभु आप सबको आशीष दे, पापों की माफी मांगो, एक दूसरे की प्रार्थना करो ताकि हम उसकी संगति में और मजबूती से बढ़ते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।